तो इस शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। दूध आप अपनी मर्जी का कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। इसे अब हम बॉयल कर लेंगे और इस दूध में मिलाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 TBSP कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड पाउडर का हमें घोल बना लेना है। तो इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे 1 चम्मच की मदद से। उसके बाद इसे हम दूध में डालेंगे, बॉयल करेंगे दूध में डालकर। इसका यूज़ करने से जो दूध है उसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा हो जाता है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। इकट्ठे एक साथ पूरा नहीं डालना है, अगर आप सारे एक साथ डाल देंगे तो ये दूध में जाकर जम जाएगा, मिक्स नहीं हो पाएगा। तो 2 से 3 बार में ये हम दूध में डाल देंगे। इसको डालने से दूध का कलर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये देखिए, कस्टर्ड पाउडर डालने की वजह से बहुत ही अच्छा सा इसमें कलर आ गया है। इस दूध को हम इसी तरीके से 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच चीनी ले ली है, ये भी मैं इसमें मिला रही हूँ। चीनी आप इसमें अभी थोड़ी कम ही रखिएगा, क्योंकि बाद में इसमें जो हम चीज़ें मिलाने वाले हैं उसमें भी चीनी होती है। तो ये देखिए, दूध को मैंने 7 से 8 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लिया है। अब जो ये दूध है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और दूध को मैं एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख दूंगी ठंडा होने के लिए। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, तो उसके लिए हम इसमें कुछ चीज़ें भी मिलाते हैं। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इनका सेवन अगर आप करेंगे तो आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी। बच्चों को अगर आप देंगे उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है, तो एनर्जी पूरा रिकवर हो जाती है इस शरबत को पीने से। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच रात को पिस्ता भिगा कर रखे थे, इसके साथ ही ये 12 से 13 हमने बादाम भिगा कर रखे थे, मगज के बीज हमने यहाँ पर कुछ भिगा कर रखे हैं 2 चम्मच ये खसखस भिगा कर रखा है। और यहाँ पर हम यहाँ ले रहे हैं खसखस शरबत। ये जो खसखस शरबत होता है इसको जब हम अपने ड्रिंक में मिलाएंगे तो इसका जो शरबत का स्वाद है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है और ये बहुत ही ठंडा होता है। गर्मियों में इसे पीने से काफ़ी बॉडी में तरोताजगी बनी रहती है, ठंडक रहती है। और यहाँ पे हमने ये पॉपी सीड यानी खसखस लिया है, ये भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो उसमें तो ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण इलाज का काम करता है। अब इन सब चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है, इसका एक बारीक पेस्ट बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बादाम है इन्हें छिल लेते हैं। ये जो खसखस शरबत होता है, कई लोगों को पता नहीं होता है कि ये कैसा होता है, तो ये आपको रुआबसा जैसे मार्केट में मिलता है कुछ वैसे ही मिल जाता है, इस तरीके से बोतल में आता है। तो आप इसे मंगा कर रख सकते हैं और पूरी गर्मियों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सभी चीज़ें हम जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। आधा कप इसमें हम पानी में डालेंगे ताकि सभी चीज़ें अच्छे से पिस जाएं। तो ये देखिए, एकदम बारीक पेस्ट हमें बनाकर तैयार करना है। इस पेस्ट में ये फ़ायदा है कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा सा बनाकर पूरे 1 हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपका मन करे। दूध की बहुत सारी क्वालिटी को ये एनहेंस कर देगा। आप मार्केट से महंगी महंगी चीज़ें लेकर आते हैं दूध में मिलाकर पीने के लिए, बच्चों को देने के लिए, जो कि पता नहीं कितना फ़ायदा करती हैं कितना फ़ायदा नहीं करती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो भी हम इसमें मिला रहे हैं ये आप अपने हाथों से बना रहे हैं और आपको पूरी इसमें गारंटी होती है कि जो भी चीज़ें आपने मिलाई हैं एकदम शुद्ध हैं, एकदम साफ़ सुथरी हाइजीनिक तरीके से बनी हैं। तो इस तरीके से अगर आप ड्रिंक बनाकर रखेंगे गर्मियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है, इसे अभी हम साइड में रखते हैं। अब जो हमने दूध बनाकर फ्रिज में रखा था उसे भी मैंने निकाल लिया है, ये एकदम चिल हो गया है और टेक्सचर इसका बहुत ही ज़्यादा क्रीमी लग रहा है। एक बार इस तरीके से बच्चे या बड़े किसी को भी आप बनाकर दे देंगे तो आपसे बार बार इसी तरीके से शरबत बनवाने की डिमांड करेंगे, बहुत ही ज़्यादा रिच टेस्ट है इसका। तो अब हमने जो ये पेस्ट बनाकर रखा है 3 से 4 चम्मच ये मिला देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको दूध की कंसिस्टेंसी बढ़ानी है उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें यहाँ पर 3 चम्मच डाल दिया है और जो पेस्ट हमारा बाकी का बचा है ये मैं नेक्स्ट टाइम इसमें यूज़ कर लूँगी दोबारा से शरबत बनाने के लिए। और जो ये खसखस सिरप है ये भी हम इसमें डाल देंगे।
तो ये मैंने लगभग 4 चम्मच इसमें मिला दिया है। और अब सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी एक बहुत ही टेस्टी सी और यूनिक ड्रिंक बनकर तैयार हो जाएगी। इसे पीते ही आपकी जो बॉडी में एनर्जी गर्मियों में चली जाती है वो तुरंत वापस आ जाएगी। इसकी जो तासीर है वो भी काफ़ी ठंडी है, तो बॉडी को एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल कर देगी। अभी तो गर्मियाँ इतना ज़्यादा हो गई हैं कि हमेशा ये मन करता रहता है कि कुछ ड्रिंक जैसा लिया जाए, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बस ठंडी ठंडी चीज़ें खाने पीने का मन करता है, सलाद हो गया, फल हो गए और ये ड्रिंक हो गई। तो जो भी एनर्जी आपकी कम हुई है बॉडी में, इसे लेते ही वो एनर्जी पूरी हो जाएगी। तो इन गर्मियों में इस यूनिक से शरबत को आप अपने घर में ज़रूर बनाएं। तो ये देखिए एकदम बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है, मुझे तो इसे देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है, कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जल्दी से इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। ऊपर से इसमें हम थोड़े से बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश कर देंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी हमारी ड्रिंक बनकर तैयार है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी है या हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएँ ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है और ये हेल्दी भी है क्योंकि ये बनाई जाती है दूध से और फ्रूट से। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं उनको आप फ्रूट कस्टर्ड बना के दें, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, उसे खाना बहुत पसंद करेंगे। मेरा नाम है ललिता और आप देख रहे हैं 7 स्टार किचन। तो चलिए फिर ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फुल क्रीम दूध ले लिया है, 1.5 कप मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ। दूध को गर्म कर लेंगे। और 1/2 कप दूध मैंने बचा लिया है, टोटल हमें इसमें 1/2 लीटर दूध लेना है। इस 1/2 कप दूध में मैं डालूंगी कस्टर्ड पाउडर, 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर इसमें हमें डालना है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, मैं इसमें 4 से 5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप चाहें तो चीनी की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से कस्टर्ड पाउडर का डिब्बा आता है और ये मैंने वैनिला फ्लेवर लिया है इसे बनाने के लिए। 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर हम इसमें मिक्स कर लेंगे दूध में, जो हमने अलग से ठंडा दूध निकाला है। आप कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में ही मिक्स करें, अगर आप इसे गर्म दूध में मिक्स करेंगे तो इसके लम्प्स बन जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और अब इसे मिक्स करने के बाद हमारा जो ये दूध है ये भी बॉयल होने लगा है, तो इसे भी एक बार मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से। फ्लेम को मैंने अभी लो कर दिया है, अभी तक फ्लेम मीडियम पे था। और जो कस्टर्ड पाउडर हमने मिक्स करके रखा है वो अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इस तरीके से घोलते जाएंगे। तो ये देखिए कस्टर्ड पाउडर वाला दूध भी हमने इसमें मिला लिया है और उसके बाद हम इसे कंटिन्यूअस 2 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे, 2 मिनट में आप इसे देखेंगे कि काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये देखिए इसे चलाते हुए लगभग 2 मिनट मुझे हो गया है, अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे हम इस कढ़ाई में 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये हल्का ठंडा ना हो जाए। तो ये देखिए हमारा जो ये कस्टर्ड है इसे 5 मिनट हो गया है रखे हुए और अब ये हल्का ठंडा हो गया है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे और जो भी फल फ्रूट हमें इसमें डालने हैं उन्हें भी हम फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए, ताकि वो भी एकदम ठंडे हो जाएं। तो कस्टर्ड मैंने फ्रिज में रखकर अच्छे से चिल कर लिया है और मैंने ये फ्रूट्स ले लिए हैं, इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। ये फ्रूट्स पहले से फ्रिज में रखे हुए थे इसलिए ऑलरेडी चिल हैं। तो जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों वो आप ले सकते हैं, मेरे पास घर में ये अवेलेबल था तो मैंने ये फ्रूट्स ले लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 ग्लास ले लिए हैं। सबसे पहले मैं इसमें कस्टर्ड की लेयरिंग करूँगी। तो हमने एकदम चिल्ड कस्टर्ड लिया है, इसे हम बेस में डालेंगे। और अब हम इस पर डालेंगे अनार के दाने और अब हम इस पर डालेंगे अंगूर।
थोड़े से काले वाले अंगूर भी डाल देंगे और अब हम इसको थोड़े सा व्हिप क्रीम से लेयर कर लेंगे। और अब हम डालेंगे इस पे कटे हुए मैंगोज़, थोड़े से इस पे हम कटे हुए एप्पल डाल देंगे, वापस से इस पे हम डालेंगे कस्टर्ड। सेम लेयरिंग अब हम रिपीट करेंगे दोबारा से, मैं इस पे अनार के दाने वापस से डाल रही हूँ। तो एवरीवन, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।